हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्लेस। ज्ञान प्लेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज का सेट नंबर 3 है। अगर अभी तक आपने सेट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, फिर इसे देखें। इन क्वेश्चनों को आप लोग पहले खुद से ट्राई करें और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन में परिवर्तित इंजन को किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटक निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघ संबंधी नियम। ये ग्रंथ संघ संबंधी नियम से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में शराबबंदी के बाद पहली बार शराब पीने के लिए सजा किस जिला के न्यायालय द्वारा सुनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर न्यायालय द्वारा जो है पहली बार शराब पीने के लिए सजा सुनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा कालीन नगर लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोगबा नदी। लोथल शहर जो है भोगबा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। पुलवामा अटैक के जस्ट बाद अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन जो है राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने यह वक्तव्य किस सुल्तान के लिए दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार को पासपोर्ट सेवा में देश में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट को प्रकाशित करना आरंभ किया गया था किसके द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हिक्की ने जो है बंगाल गजट को प्रकाशित करना आरंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी बनाने का जो है निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को जो है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना जो है रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शहर के तुलकोने गांव में शिकारिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का जो है उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगरतला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 के विद्रोह में वरेली का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान बहादुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिला में खोलने को जो है मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलिथीन निम्नलिखित में से किसके बहुलक द्वारा निर्मित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
एथिलीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य ने पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव घोषित किया? हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी रोरिक को जो है प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के किस जिले में एक प्राथमिक विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया। गया जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, अंगिका भाषा बिहार के किस जिले की मूल भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तबकाते नासरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी, जो गंगा में मिलने से पूर्व स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, मधेपुरा की सीमा बिहार के किस जिले से नहीं लगती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। बिहार की सीमा मुंगेर जिले से नहीं लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मक्कल निधि मय्यम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 दिवसीय फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, बंग भंग आंदोलन के दौरान दरभंगा में राखी बंधन दिवस किसके नेतृत्व में मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन से राज्य ने कृषक बंधु योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, पटना के अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है अनुशीलन समिति की शाखा पटना में स्थापित की थी। ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। पहला क्वेश्चन है, शांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन आप लोग के सामने है। दूसरा क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? इसका भी ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसको आप लोग जोर अटेम्प्ट करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जोर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कॉमेंट जोर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।